सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ एवं खुश होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज पढ़ना क्या है? पहले तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, अच्छी बात है। अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर सारे कुछ निकालिए और पढ़ना है आज री वर्ण शेप शब्द बना। अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ तक हम के वर्णों से शब्द बना लिए थे। आज हम री वर्ण से शब्द बनाएंगे। जैसा कि मैं आज देती हूँ अ से पढ़ लिए, आ से पढ़ लिए, ह्रस्व ई से पढ़ लिए, दीर्घ ई से भी पढ़ लिए, ह्रस्व उ से भी पढ़ लिए, दीर्घ उ से भी पढ़ लिए और आज री से भी पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं री से कौन कौन से शब्द होते हैं। री से होता है ऋषि, ठीक है, री से ऋषि, ओके। ऋषे ऋग्वेद, ऋग्वेद फिर है ऋषे ऋण, ऋषे ऋण फिर है ऋषे ऋषभ। वन में तप करते हैं, वन वन
नापा जाता है, ऐसी जगह पे ऋषि जो होते हैं वो तप करते हैं, जिनसे उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो वन में तप करते हैं। फिर है ऋषि के कपड़ों का रंग कैसा होता है, दो नंबर में ऋषि के कपड़ों का रंग कैसा होता है, बताइए बच्चों, ऋषि के कपड़ों का रंग कैसा होता है, तो वो गेरुआ कलर का होता है, ठीक है, गेरुए रंग का गेरुआ, ठीक है बच्चों, समझ गए, ऋषि का वस्त्र यानी कि ऋषि का कपड़ा जो होता है वो गेरुआ रंग का होता है। चलिए ऋषि पहन के बैठे हुए हैं, बुक में आप लोग देख रहे हैं, गेरुआ रंग इसे ही बोलते हैं। फिर है ऋषि अपने पास क्या रखते हैं, बताइए बच्चों, ऋषि अपने पास क्या रखते हैं, ऋषि अपने पास क्या रखते हैं, बताइए, होगा इसका उत्तर कमंडल, ठीक है, ऋषि अपने पास कमंडल रखते हैं। अब बताइए कमंडल में क्या रहता है, कौन बताएगा, कमंडल में वो क्या रखते हैं, जल, ठीक है, कमंडल में वो जल रखते हैं यानी कि पानी। फिर फोर नंबर, चार नंबर देखिए, ऋषि अधिकतर क्या खाते हैं, ऋषि अधिकतर क्या खाते हैं, ऋषि अधिकतर क्या खाते हैं, तो वो ज्यादातर फल और दूध खाते हैं, ठीक है, ऋषि ज्यादातर यानी अधिकतर दूध और फल खाते हैं। अब एक और खास बात है, ऋषि में जो वाल्मीकि ऋषि हैं वो सबसे विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है, उन्हें आप अच्छे से मतलब ज्यादा लोग उन्हें जानते हैं, इसलिए वो विख्यात है, जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, उनके बारे में हर चीज़ के बारे में हमें पता होता है, उन्हें विख्यात कहा जाता है यानी कि प्रसिद्ध कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो ये तो ऋषि के बारे में हम पढ़े, रिवर्ड से और अलग अलग शब्द बनाए, तो इसका मतलब से आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लिए। और एक बात और बच्चों, ऋषि वाल्मीकि जो जी जो थे इसलिए भी विख्यात हैं क्योंकि वो रामायण ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम पेज नंबर 9, ऋषि जो शब्द बनाए हैं हम, इसके बाद 9 नंबर पेज में है अभ्यास करें,
यानी प्रत्येक स्वर को पहचान कर उसे उसके चित्र से मिलाएं। चित्र से मिलाना है, तो ये आपका बुक है चित्र, आप बुक में देख लीजिए। मैं चित्र के जगह पे इसका नाम लिख दूंगी और फिर वर्ण लिख दूंगी, यानी कि वर्ण और वर्णों से बने शब्द लिखूंगी, आप उसे मिलाइएगा, हम भी मिलाएंगे, आप देखिएगा। चलिए इसे मिटाते हैं। हम आज अ से री वर्ण, अ से री वर्ण तक शब्द बनाना सीखे हैं। अब उस अ से री वर्णों को और शब्दों को लिखकर हम एक दूसरे से मिलाएंगे। इस तरह से हम चेक भी कर लेंगे, मिला लेंगे जो हम सही सही सीख पाए हैं या नहीं। तो आइए हम लिखते हैं वर्णों से शब्दों को मिलाएं। ठीक है ना बच्चों, वर्णों से शब्दों को मिलाएं। तो हम लिखते हैं पहले और फिर आ ह्रस्व इ दीप्ति नहीं आया ना, तो हम आधा इधर आधा उधर मिला देते हैं। ह्रस्व इ दीप्ति फिर ह्रस्व उ दीप उ और री। अब इसके सामने हम शब्द लिखेंगे और मिलाएंगे, लेकिन शब्द हम सीधा सीधा लिखेंगे नहीं, क्योंकि अ से क्या होता है अनार, हम यहाँ अनार नहीं लिखेंगे, हम अनार कहीं और लिखेंगे और उसे आप अ से मिलाइएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आम, यहाँ इमली और यहाँ है ई। ठीक है बच्चों, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ ऋषि, उपवन और ऊन। ठीक है ना, चलिए अब इस पर आपको ध्यान देना है जो किस वर्ण से कौन सा शब्द होगा। तो मैं आपको पहले पढ़ा के समझा देती हूँ। जैसा कि देखिए आ से अना, आ से आम, ह्रस्व ई से इमली, दीर्घ ई से ई, ह्रस्व उ से उपवन, दीर्घ उ से ऊन, ऋषे ऋषि। तो अ से री तक के वर्ण को हम शब्दों, अ से री तक जो वर्ण है उसे शब्द बनाना सीख चुके हैं, तो हम आसानी से इसे मिला सकते हैं ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, बताइए अ से क्या होगा। अब इसमें ढूंढेंगे ना अ से क्या होगा, मान लीजिए अनार होगा, तो हम इसमें ढूंढेंगे अनार कहाँ लिखा हुआ है। अनार अगर हम नहीं ढूंढे, यानी कि अनार तो पूरा शब्द ऐसे नहीं ढूंढे, तो कम से कम अ से पहला अक्षर जो लिखा हुआ है यहाँ अ है, और अ से ही बने हुए शब्द को ढूंढना है, तो पहला अक्षर यहाँ अ हम देखेंगे। अनार यानी कि शब्द को नहीं देख करके पहला अक्षर को देखेंगे, तो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, आसानी से समझ जाएंगे जो ये अ से ही शब्द है, उसके बाद से पढ़ेंगे अ से अनार। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपको आसानी से समझ लेंगे। तो आ से हम ढूंढेंगे शब्द, कौन सा शब्द होगा जो वहां से मिल जाएगा। तो यहाँ है ई, ई तो अ है, यहाँ पहला अक्षर यहाँ अ होना चाहिए, अ नहीं है, फिर दूसरे शब्द में ढूंढते हैं, यहाँ भी अ नहीं है, क्योंकि हमें पहला अक्षर अ से ही मिलाना है, तो कोई भी शब्द लिखा से मतलब नहीं है, पहला अक्षर अ होना चाहिए, क्योंकि हम अ वर्ण से ही
फिर यहाँ क्या लिखो, आ है, ये भी सही है, नहीं है, क्योंकि हमें अ चाहिए, अ। अब यहाँ देखिए अ है ना, पहला अक्षर अ, आ से अनार, ये मिल गया, चलिए मिलाइए ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा देखिए आ है, दूसरा क्या है, आ से क्या होगा, मिलाइए आ से आम, पहला अक्षर आ होना चाहिए, देखिए ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ आ है, तो यहाँ से आ मिला देंगे। फिर हर्षो ई है, हर्षो ई से होगा इमली, चलिए मिला दिए इसे भी। फिर दिल ई, दिल ई से क्या होगा, ई, इसे भी मिला दिए, देखिए आसानी से मिल गया ना। तो चलिए हम इधर भी मिला ही लेते हैं, हर्षो ऊ से क्या होगा, हर्षो ऊ से होगा वन, तो हम देखेंगे पहला अक्षर ऊ है कि नहीं, तो हर्षो ऊ से पहला अक्षर ऊ है, नहीं है, नहीं लाएंगे। फिर हर्षो ऊ से यहाँ है पहला अक्षर हर्षो है, फिर उपवन, तो ये मिला देंगे हर्षो ऊ से, ठीक है बच्चों। फिर क्या ये दीन ऊ, दीन ऊ से क्या होगा, ऊन, तो चलिए पहला अक्षर इसका देखिए ऊ है ना, ये मिल गया। फिर है री, री के ऋषि पहला अक्षर यहाँ है ना, री ऋषि, ऋषि, इस तरह से हम सारे वर्णों से शब्द जो लिखे हैं उसको मिला दिए। चलिए तो आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए, मिलाइए, रही बात बुक की तो बुक में भी आप मिला दीजिए, क्योंकि बुक जो है वो पिक्चर के साथ है और मैं उस पिक्चर का नाम लिखी तो आप समझ जाइएगा। चलिए मिलाइए इसको पहले, और इसको भी अपनी बुक नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से, सुंदर साफ साफ एवं शुद्ध राइटिंग में। ठीक है, चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं, आ से अनार मिल गया, आ से आम मिला हुआ है, हर्षो ई से इमली, दीप ई से ईख, हर्षो ऊ से उपवन, दीप ऊ से ऊन, ऋषि से ऋषि, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम आ से रि तक के वर्ण को और उससे बने शब्दों को पढ़े और फिर आज मिलाएं भी, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर अगले क्लास में मिलते हैं अगले वर्णों के साथ, तो अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, बाय बाय बच्चों।